awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. तो दोस्तों Samsung Galaxy A52 का फर्स्ट लुक और हैंड्स ऑन बाहर निकल कर आ गया है और आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि Samsung ने A सीरीज के स्मार्टफोन में Galaxy A32 को लॉन्च कर चुका है, तो वो अब Galaxy A52 और A72 को बहुत ही जल्द इंडिया मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। Samsung Galaxy A52 स्मार्टफोन आपको दो वेरियंट में देखने को मिलेंगे, जिसमें कि एक होगा 4G और इसका एक 5G वेरियंट भी आएगा। तो आज हम इस वीडियो में स्पेशली Samsung Galaxy A52 की स्पेसिफिकेशन और प्राइस के साथ लॉन्च डेट के बारे में बात करेंगे। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं टेक माइंड यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो हम आपको आगे दे सके। बात करते हैं इसकी डिस्प्ले को लेकर, तो इसमें आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलेगी जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आने वाली है। यह एक सुपर AMOLED डिस्प्ले होगी, लेकिन यहाँ पर कमाल की बात यह है कि इसमें आपको हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट 5G डिवाइस में देखने को मिलने वाला है और जो इसका 4G वेरिएंट होगा उसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। डिस्प्ले वाइज भी बात करते हैं तो Samsung के AMOLED डिस्प्ले बहुत ही अच्छे होते हैं और यहाँ पर आपको हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, जो कि डिस्प्ले के मामले में बहुत ही अच्छी डिस्प्ले होने वाली है। चलिए और बात करें इसके कैमरा सेटअप को लेकर, तो दोस्तों यहाँ पर कन्फर्म हो गया है कि आपको दोनों वेरियंट में 64MP क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका मेन सेंसर 64MP का होने वाला है, 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 5MP का माइक्रो लेंस और 5MP का डेप्थ लेंस होगा। और यहाँ पर कमाल की बात यह है कि इसमें आपको OIS भी देखने को मिलेगा वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि बजट सेगमेंट में Samsung अपने स्मार्टफोन में OIS दे रहा है। और फ्रंट साइड में आपको सिंगल पंच होल जो कि टॉप सेंटर में होगा, जिसमें कि 32MP की सेल्फी कैमरा होने वाला है। कैमरा वाइज भी ये एक अच्छा स्मार्टफोन बोल सकते हैं। अब बात आती है इसके परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर काफ़ी बड़े अपग्रेड्स किए गए हैं, जैसे कि गैलेक्सी A51 में वही पुराना Exynos 9611 का चिपसेट दिया गया था, लेकिन अब ये सेम नहीं रहेगा। यहाँ पर जो गैलेक्सी A52 जो 5G वेरिएंट होगा उसमें स्नैपड्रैगन 750 का पावरफुल बजट 5G चिपसेट देखने को मिलेगा, वहीं पर जो 4G वेरिएंट होगा उसमें आपको स्नैपड्रैगन 720 का चिपसेट मिलेगा। ये दोनों चिपसेट आप काफ़ी सारे स्मार्टफोन में देख चुके हैं 15,000 से लेकर 20,000 के बजट सेगमेंट में। मैं भी इन्हीं दोनों में से एक चिपसेट वाला स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूं। कमेंट में बताइएगा जरूर कि कौन सा स्मार्टफोन है और इस डिवाइस में आपका गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा होगा। तो आते हैं इसके बैटरी डिपार्टमेंट की तरफ, तो इसमें आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी दोनों स्मार्टफोन में और बॉक्स में आपको 25W का फास्ट चार्जर मिल जाएगा। तो आते हैं इसके लॉन्च डेट और प्राइस की तरफ, तो दोस्तों Samsung अपना एक गैलेक्सी ऑसम अनपैक करने वाला है 17 मार्च को। शायद गैलेक्सी A52 और A72 को 17 मार्च को लॉन्च कर दे, लेकिन कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि ये गैलेक्सी A52 और A72 को लॉन्च करने वाले हैं। 17 मार्च के बाद ही पता चलेगा कि ये स्मार्टफोन इंडिया मार्केट में कब तक देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों 4G वर्जन की बेस वेरिएंट की प्राइस अराउंड 22,000 से लेकर 25,000 तक का हो सकती है और वहीं पर 5G वर्जन की बेस वेरिएंट की प्राइस अराउंड 28,000 से लेकर 30,000 तक का हो सकती है। तो दोस्तों क्या आप लोग इस फोन के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट में बताइएगा जरूर। बस इतने ही थे इस वाले वीडियो के लिए, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।